हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रेक। आज हम लोग हेक्सा फ्रेम के बारे से देख लेते हैं। हेक्सा फ्रेम का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं और उसका कार्य क्या होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेक्सा फ्रेम के बारे से। आपको पता ही होगा कि वर्कशॉप में हम लोग ज्यादातर मेटल्स को काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हेक्सा फ्रेम और उसके ब्लेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है? ज्यादातर वर्क हम लोग हेक्सा फ्रेम से ही करते हैं। तो हेक्सा फ्रेम का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? हेक्सा ब्लेड को होल्ड करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हेक्सा फ्रेम का उपयोग करते हैं। हेक्सा फ्रेम और ब्लेड दोनों जब मिलते हैं तो क्या करते हैं, वो किसी मेटल्स को काट सकते हैं, ठीक है? दोनों को मिला करके जब एडजस्ट करके दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी मेटल्स को काट सकते हैं। विदाउट हेक्सा फ्रेम हम लोग सिर्फ ब्लेड से ही नहीं काट सकते हैं, तो उसको क्या करता है, एक सही पोजिशन में पकड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। जनरली हेक्सा द्वारा जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं वो हेक्साइन कहलाता है, ठीक है? हेक्सा के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, हेक्साइन ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर हेक्सा की अगर मटेरियल की बात की जाए, हेक्सा फ्रेम की मटेरियल, तो किससे बनाया जाता है, माइल्ड स्टील से इसको बनाया जाता है। माइल्ड स्टील से बना रहे हैं, इसका मतलब इसको केस हार्ड करेंगे या फिर हार्डनिंग करेंगे, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज कम होती है 0.5 से, इसलिए इसको क्या किया जाएगा, केस हार्ड किया जाता है, केस हार्डनिंग, ठीक है? माइल्ड स्टील के इस फ्रेम को क्या किया जाता है, केस हार्डनिंग करके बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन के बारे से देख लेते हैं। ये कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, इसमें आप लोग को एक फ्रेम, विंग नट, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, फिक्स ब्लेड होल्डर, हैंडल और एक रिटेनिंग पिन दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, इसका ब्लेड कहलाता है, ब्लेड, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग ब्लेड को निकाल दें तो जो बचेगा वो सारा क्या रहेगा, हेक्सा फ्रेम कहलाएगा। और हेक्सा फ्रेम में कौन से मटेरियल को बनाया जाएंगे, माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। यहाँ पर एक फिक्स ब्लेड होल्डर और एक एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है। फिक्स ब्लेड होल्डर हमेशा फिक्स रहेगा और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर को हम लोग ब्लेड के लंबाई के अनुसार कम या फिर ज्यादा, या फिर उसको टाइट करने के लिए या फिर लूज करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर का उपयोग किया जाता है। जब भी अपने को ब्लेड को लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड के एडजस्टेबल होल्डर को कम किया जाता है, फिर इसके बाद उसको लगा के फिर से उसको टाइट कर दिया जाता है। तो ये उसके लिए है। विंग नट यहाँ पर दिखाया गया है। विंग नट का काम होता है ब्लेड को टाइट करना या फिर उसको निकालने के लिए या फिर उसको टाइट करने के लिए, होल्ड करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। विंग नट को और किस नाम से जाना जाता है, एक फ्लाई नट के नाम से जाना जाता है, ठीक है? विंग नट को और किस नाम से जाना जाता है, फ्लाई नट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ हैंडल। तो जो हम लोग हेक्सा फ्रेम यूज करते हैं वो जनरली दो टाइप के हैंडल उस पर उपयोग किया जाता है, आप लोग देखी होगी। एक कहलाता है स्ट्रेट हैंडल, जिसका सिर्फ एक लकड़ी का हैंडल लगा रहेगा पीछे साइड में, और ये इससे क्या रहता है, स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है। और दूसरा कहलाता है पिस्टल ग्रिप हैंडल। पिस्टल ग्रिप मतलब कि जो पिस्टल पकड़ते हैं वैसे टाइप से, तो इसको बोला जाता है पिस्टल ग्रिप हैंडल और ये कहलाता है स्ट्रेट हैंडल। जनरली हम लोग वर्कशॉप में स्ट्रेट हैंडल का उपयोग करते हैं और पिस्टल ग्रिप हैंडल का भी उपयोग किया जा सकता है, बस ये टाइप्स ऑफ हैंडल है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम जनरली तीन टाइप्स के होते हैं, ठीक है? एक होगा फिक्स फ्रेम, और दूसरा होता है एडजस्टेबल फ्रेम, और तीसरा होता है डीप थ्रो कटिंग हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है, तीन प्रकार से, ठीक है? फिक्स हेक्सा फ्रेम का उपयोग कहां पर करेंगे, जहां पर साधारण कार्यों के लिए हम लोग को करना हो। फिक्स हेक्सा फ्रेम, ये देखो यहाँ पर जो दिखाया गया, ये क्या है, फिक्स हेक्सा फ्रेम है। फिक्स हेक्सा फ्रेम मतलब किसके साइज को हम लोग कम या फिर ज्यादा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक ही साइज के ब्लेड को हम लोग होल्ड कर पाएंगे, जैसे 250 है तो 250 का, 300 है तो 300 का। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे,
जहां पर अपने को ब्लेड के साइज को कम या फिर ज्यादा करना हो, ठीक है। मान के चलो कि फ्रेम 250 mm में है, लेकिन आप गलती से 300 mm वाला ब्लेड ले आए, तो क्या कर सकते हैं, उसके फ्रेम के साइज को बढ़ा करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिक्स्ड हैंडसम फ्रेम का उपयोग ज्यादातर किया जाता है क्योंकि उसकी शुद्धता ज्यादा अच्छी होती है, उसकी जो ग्रिपिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा अच्छा होता है। एडजस्टेबल हैंडसम फ्रेम में यहाँ पर डॉटेड बने होते हैं, ठीक है, दो तीन होल्स रहेगा, ये क्या करेगा अलग अलग साइज में हेक्सा फ्रेम को फैला सकते हैं, उसको बड़ा या फिर छोटा करने के लिए काम में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम। डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, मान के चलो कि साधारण कार्यों के लिए अगर छोटा छोटा जॉब काटना हो तो ये तो आसानी से कट जाएगा, जितना इसका हाइट रहेगा उतना हाइट तक ये काट सकता है। लेकिन अगर इसके साइज को हम लोग ऐसे सीधा काटना हो तो क्या हो जाएगा, ये जो है पकड़ लेगा, है ना, हेक्सा फ्रेम है, आपको पकड़ लेगा तो ऐसे कटिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम की गहराई क्या होती है, ज्यादा होती है एक नॉर्मल हेक्सा फ्रेम से, और ये क्या कर सकता है, अधिक गहराई में मेटल्स की कटिंग कर सकता है, इसीलिए डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। अधिक गहराई में मेटल की कटिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये BIS के अनुसार, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 5 प्रकार के हेक्सा फ्रेम उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर जो कि वर्कशॉप में ज्यादा यूज होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं, ये टाइप A, B, C, D और E, 5 प्रकार से टाइप्स उपयोग किए जाते हैं, और यहीं से ही पेपर में पूछा जाता है, इस चीज को याद रखना। हेक्सा फ्रेम 3 प्रकार से होता है और BIS के अनुसार इसको 5 प्रकार से और हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं टाइप्स में, ठीक है। तो टाइप ए वाला जो अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप ए को ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होगा, टाइप बी वाला जो रहेगा क्लोज ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, और टाइप सी स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। ओपन ग्रिप मतलब कि क्या रहेगा, ये जो आप पिस्टल ग्रिप देख रहे हो यहां से ये कटा हुआ रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ओपन ग्रिप, ठीक है, ओपन ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, और क्लोज ग्रिप मतलब कि ये क्या रहेगा, यहाँ पर से बंद रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा क्लोज ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तो स्ट्रेट ग्रिप में क्या रहेगा, ये हैंडल वाला, ठीक है, और डी टाइप होता है स्ट्रेट ग्रिप नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, तो ये जितने भी एडजस्टेबल हैं वो क्या रहेंगे, इसमें डॉटेड रहेंगे, ठीक है, मतलब कि इसके साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नॉन एडजस्टेबल के साइज को हम लोग नहीं बढ़ा सकते। लास्ट ई टाइप जो होता है वो डीप थ्रो नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है, डीप थ्रो नॉन एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है। ज्यादातर जो डीप थ्रो जो हेक्सा फ्रेम होता है वो नॉन एडजस्टेबल ही मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि गहराई में कटिंग करते समय यदि जब भी हम लोग काटते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो थोड़ा सा भी हिलेगा तो ब्लेड टूट सकता है, इसीलिए उसको क्या करते हैं, डीप थ्रो हेक्सा फ्रेम को नॉन एडजस्टेबल ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ हेक्सा फ्रेम। एंगल ऑफ हेक्सा फ्रेम का एंगल कितना होता है, तो ये जो होल्ड कर रहा है इसी को ही बोलते हैं, इसका जो बेंड है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है, कितना रहेगा ये 90 डिग्री होता है इसका एंगल, और इसको कैसे बनाया जाता है, अंग्रेजी के यू के समान बनाया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी के यू के समान इसके फ्रेम को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है साइज, हेक्सा फ्रेम का साइज कैसे लिया जाता है, हेक्सा फ्रेम का साइज जनरली ब्लेड की लंबाई से ली जाती है, ठीक है, हेक्सा फ्रेम का साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, मतलब कि 250 mm है, 300 mm है, तो उस हिसाब से इसके साइज को लिया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, तो हेक्सा फ्रेम को स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक नोट बता देता हूं, जब भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं तो क्या रहता है, ए सी 250, ठीक है, अगर ऐसे अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या करेगा, एडजस्टेबल या फिर नॉन एडजस्टेबल है उसको, तो ये क्या हो जाएगा एडजस्टेबल, और सी टाइप, सी मतलब कि कौन सा आएगा, तीसरा मतलब
स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहलाएगा। सी टाइप इसमें आ जाएगा स्ट्रेट ग्रिप एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, और ये 250 क्या रहेगा उस ब्लेड का साइज रहेगा, ठीक है, ब्लेड का साइज 250। ज्यादातर जो हेक्सा फ्रेम आते हैं जो कि नॉन एडजस्टेबल वाले होते हैं वो कितना रखा जाता है, 250 से लेके 300 mm तक पाए जाते हैं, ठीक है, 250 से लेके 300 mm तक के साइज में पाए जाते हैं। और हेक्सा फ्रेम को जब भी हम लोग हैंडल को लगाते हैं तो ज्यादातर हम लोग लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, विदाउट हैंडल इसको उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका जो कटिंग एक्शन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।